हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण निरंतर भूतकाल। इनका हिंदी पहचान है से डैश डैश रहा था, से डैश डैश रही थी, या से डैश डैश रहे थे इत्यादि। इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस या फॉर एंड प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ सीन्स एंड फॉर में कुछ डिफरेंस है जिससे आप देख सकते हैं। जैसे ए एम पी एम मॉर्निंग इवनिंग हो तो सीन्स, और वहीं एन आवर थ्री आवर्स फोर आवर्स होगा तो फॉर के यूज़ करते हैं। और दिनों का नाम जैसे संडे मंडे हो तो सीन्स का उपयोग, उसी को अ डे टू डेज थ्री डेज मैनी डेज कहने पर फॉर का यूज़ करेंगे। और फिर जहाँ महीनों का नाम हो जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो सिंस का उपयोग, और वहीं उसे अ मंथ टू मंथ्स थ्री मंथ्स मैनी मंथ्स इस प्रकार से कहेंगे तो फॉर का यूज़ करेंगे हम। और अगर हम कहें 2010 या 2020 इस प्रकार से तो सिंस का उपयोग करेंगे। और उसे अगर हम कहें अ ईयर टू ईयर थ्री ईयर्स मैनी ईयर्स या सम ईयर्स तो वहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे। इसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और अच्छे से समझ सकते हैं। इनका एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ हम एक वचन और बहुवचन दोनों सब्जेक्ट के साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं। जैसे राम हैड बीन लिविंग इन जंगल फॉर 14 ईयर्स, राम 14 साल से जंगल में रह रहा था। ही हैड बीन किलिंग जायंट्स फॉर मैनी डेज, वह कई दिनों से राक्षसों का वध कर रहा था। वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2010, हम 2010 से फुटबॉल खेल रहे थे। यू हैड बीन चीटिंग पुलिस फॉर 2 मंथ्स, तुम 2 महीनों से पुलिस को धोखा दे रहे थे। दे हैड बीन रनिंग सिंस जनवरी, वे जनवरी से दौड़ रहे थे। अब इनमें पहले वाक्य का मैं निगेटिव इंटरोगेटिव बनाता हूँ, जैसे कि राम हैड बीन लिविंग इन जंगल फॉर 14 ईयर्स, राम 14 साल से जंगल में रह रहा था। नेगेटिव, राम हैड नॉट बीन लिविंग इन जंगल फॉर 14 ईयर्स, राम 14 साल से जंगल में नहीं रह रहा था। इंटरगेटिव, हैड राम बीन लिविंग इन जंगल फॉर 14 ईयर्स, क्या राम 14 साल से जंगल में रह रहा था। नेगेटिव इंटरगेटिव, हैड राम नॉट बीन लिविंग इन जंगल फॉर 14 ईयर्स, क्या राम 14 साल से जंगल में नहीं रह रहा था। बाकी सेंटेंस आप ठीक इसी प्रकार से बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे।